हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको मेरे चैनल टेक बाबर में खुश आमदीद। आज क्या करेंगे, आपको जो एड्स है ना मोनिटाइज होने के बाद उसे ऑन करने का तरीका बताएंगे। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद ये देखें कंटिन्यू स्टूडियो ओपन करेंगे। मैंने काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ किस तरह से ओपन करते हैं, आप उन दूसरी वीडियो में देख लें। जो असल मसला है वो हम क्या है कि आज हम क्या करेंगे, अपने चैनल का एड जो है वो ऑन करेंगे। देखें आपके सामने मैंने यहाँ पर चैनल जो है आपके सामने आया हुआ है, कहते हैं गेट स्टार्ट। जैसे गेट स्टार्ट पे मैंने क्लिक किया, ऊपर लिखा हुआ है टर्न ऑन ऐड। जैसे इस सब ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी चैनल पे वीडियो होंगे ना वो ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे देखें आपके सामने उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि टर्न ऑन ऐड। मैं इस पर एक दफ़ा क्लिक करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ये कह रहा है डायरेक्टेड फॉर यूट्यूब। जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमें कहाँ पर लेके जाएगा, डायरेक्टेड यूट्यूब पर। देखें ऐड ओपन कर ऑन यानी कि ऑन करने के ऑप्शन पर नीचे जैसे नेक्स्ट करेंगे तो ये हमारे पास जितनी ऐड होंगी वो ऑन हो जाएंगी। आपसे पूछ रहा है कि ऑल वीडियो भी करेंगे या नेक्स्ट। इस तरह से पांच ऐड का ऑप्शन है, इन्हें आपने चेक हमेशा रहने देना है, चेक इसे करते रहने। देखें आ गई, बैक हो गया। एक बार फिर से आपको क्लिक करके दिखा दूं मैं, टर्न ऑन ऐड पर क्लिक करें जो ऊपर दिया हुआ टर्न ऑन ऐड। फिर यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक दफ़ा से क्लिक करना है आपने। ये चैनल मोनिटाइज होने के बाद के ऑप्शन है, ऊपर लिखे हुए ऑल क्या कहते हैं वीडियो पे आपने ऐड ऑन करना है या मैक्सिमम। तो हमने क्या करना है, हमने ऑल वीडियो पे ऑन करना है। ऑल वीडियो पे हमेशा आपको मैं कहता हूँ कि ऑन क्या करें, थोड़ा सा वेट करें, नेट की स्पीड स्लो है। और यहाँ पे देखिए आपको तीन ऑप्शन दिए हुए कि इसमें आप अपना टॉपिक कोई सिलेक्ट वगैरह करना है तो कर लें, वरना आप इन्हें डिसमिस कर दें। तो यहाँ पर देखें आपके सामने डिसमिस का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आपने इस पर क्लिक करके डिसमिस करते जाना। एक क्लिक डिसमिस, ये देखें इस तरह से भी दूसरे जो दो दिए उससे भी आपने डिसमिस कर देना है, जिस तरह से मैंने अभी आपको यहाँ पर डिसमिस करके दिखा दिया है। अब हम जाएंगे सीधा किधर, चैनल पे जो जितने वीडियो हैं उन पे जाएंगे, यानी कि अपने कंटेंट में जाएंगे। अभी तो इस टाइम हम डैशबोर्ड पे ठहरे थे, अब मैं आपको वीडियो की तरफ ले जाता हूँ। वहाँ पर जितने ऐड हैं उन्हें अब ऑन करते हैं। अगर ऑन आप हमेशा चेक कर लें कि बाद में ये ऑन होते नहीं है। देखिए ऊपर अपडेट का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, अपडेट हो रही है कुछ पे वीडियो पे ये ऐड ऑन होते हैं, वरना कुछ पे नहीं होते। वरना आप ऐड मैन्युअली भी ऑन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें डॉलर का निशान बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करके अपनी वीडियो का जो ऐड होगा वो ऑन कर सकते हैं। देखें मैंने क्लिक किया, फिर यहाँ पे आपके सामने ऑन का ऑप्शन आ गया। इस तरह से आप अपनी वीडियो का मैनुअली तौर पर कर सकते हैं, नहीं तो एक और आसान तरीका जिससे आप अपनी सारी वीडियो पर ऐड ऑन कर सकते हैं। ये देखें मैं भी आपको दिखा दूँ, नीचे यहाँ पर लेयर का ऑप्शन नज़र आएगा। नेक्स्ट लेयर जो है 30 की बनी हुई, इसे हम 50 कर लेते हैं पहले। तो ये देखें आगे 50 का ऑप्शन, अब ऊपर वीडियो का ऑप्शन आपको नज़र आएगा ना, इस वीडियो वाले ऑप्शन पर आपने एक दफ़ा से क्लिक करना है। ये देखें ऊपर ले आए इसे ऊपर ऊपर, इस वीडियो वाले ऑप्शन पर आपने एक दफ़ा से क्लिक करना है, जहाँ पे ये चेक का ऑप्शन है। यहाँ पे आपने क्लिक करके अपनी वीडियो वाला जो ऑप्शन है उसे आपने सेलेक्ट कर लेना है। मैंने सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा है मोनिटाइजेशन ऑल, इस पर आपने क्लिक करना है। ऊपर देखें अपडेट मोनिटाइजेशन, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे ना, इससे पता क्या फ़ायदा होगा, इससे आपको ये फ़ायदा होगा जितनी भी आपकी वीडियो चाहे 100 है, चाहे 200 है, चाहे 300 है, चाहे 400 है, चाहे 500 तक भी हों, चाहे 1000 भी हों, जितनी भी होंगी उन सब का ऐड होगा वो ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से अपन अपने चैनल मोनिटाइज होने के बाद अपने टर्न्स ऑन ऐड कर सकते हैं।